हेलो फ्रेंड्स, डीप रिकॉर्ड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डाइबोक बॉक्स। सो फ्रेंड्स, ये बॉक्स एक्चुअली क्या है, इसके अंदर क्या रहता है और इसे इतना डरावनी बॉक्स क्यों माना जाता है और ये कहाँ पे अवेलेबल था और क्यों रिमूव किया गया वहाँ से, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो से जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स, इस टाइप के बॉक्स भूल से भी गलती से भी बाय मत कीजिए किसी भी ऑनलाइन साइट से, नहीं तो आपके साथ भी बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है माइंडसेट टीवी का ओनर और इनका अप्रॉक्स 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो चुका है और ये अपने चैनल में डाइबुक से रिलेटेड एक वीडियो बनाए थे और वहाँ पर टोटल 15 मिलियन व्यूज़ जा चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी चलिए देखते हैं माइंडसेट टीवी के कुछ क्लिप्स जो कि आप देखने के बाद बहुत ही परेशान हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ईएमएफ मीटर है जिससे पता चलता है कि आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। सो फ्रेंड्स, पहले इस ईएमएफ को नॉर्मली यूज़ किया जाता था लेकिन आजकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी यूज़ करते हैं वातावरण में चेंजेस को पता करने। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पास जब ईएमएफ को लिया जा रहा है तो वो सडनली ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है, बस रीडिंग मिलते ही लाइट्स ऑन। लेकिन जब वो यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर जब ईएमएफ को लाते हैं तो कोई सिग्नल दिखता नहीं है, फिर वो डिफरेंट एंगल से वो ट्राई करना स्टार्ट करता है एंड बूम, फाइनली एक सिग्नल उन्हें मिल ही जाता है और वो सोचने लगते हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसे गैजेट लगाए गए हैं जिसकी वजह से ईएमएफ में रीडिंग आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो वीडियो के आगे ही आपको पता चलने वाला है इसके अंदर क्या है। उसके बाद वो एक ऐसी मशीन लाते हैं जिसके द्वारा वो साउंड इको क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं और क्या आंसर मिल रहा है। If this is a spirit trying to communicate, do you want to hurt people? That was pretty. इतना सब होने के बाद भी वो फाइनली बॉक्स को ओपन करते हैं और उसके अंदर क्या है वो देखते हैं। It smells really bad. जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बॉक्स खोलने से ही उनको बहुत ही गंदी बदबू आती है और उसके अंदर से बस एक क्रिस्टल पीस मिलता है और फाइनली उसको भी वो ईएमएफ मीटर ला के वो चेक करते हैं लेकिन वहाँ से कुछ रीडिंग्स नहीं मिलती है। फिर उसके बाद वो बॉक्स को फिर से अंदर और बाहर से अच्छे से चेक करते हैं, फिर भी कुछ रीडिंग मिलती ही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते रहिए। कुछ सेकंड के बाद उनके पीसी के पीछे से कुछ साउंड आने लगती है और वो उसको ध्यान से सुनने लगते हैं और वो बताते हैं कि मेरे रूम में और इस घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये सीन आप ध्यान से देखिए क्योंकि अभी जो होने वाला है उसके वजह से माइंडसेट टीवी के ओनर उस रात को और उस घर में रहते नहीं है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं अपने भाई के पास। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। फिर
फिर उसके अगले ही दिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो उनको उस डाइपो बॉक्स के ऊपर कुछ स्क्रैचेस नज़र आती हैं, तो वो उसका भी एक वीडियो बना के सेपरेटली रख देते हैं। और फाइनली वो सोचते हैं कि और यहाँ रहने से ठीक नहीं होगा। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने भाई के घर से रात को रिटर्न आते हैं और उनके घर के अंदर में से एक परछाई घूमती हुई नज़र आती है। और ये वीडियो जब शूट वो कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि वो कभी भी लाइट अपना ऑन नहीं छोड़ते थे, लेकिन फिर भी आप देखिए इस वीडियो में क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे एक परछाई घूम रही है। और फाइनली फ्रेंड्स वो इतना डर जाते हैं कि वो अपने भाई के घर फिर से वो रिटर्न चले जाते हैं। सो फाइनली वो एक आंसर सबको देते हैं कि फ्रेंड्स प्लीज़ इस टाइप के बॉक्स गलती से भी आप बाय मत कीजिए किसी भी ऑनलाइन साइट से, या फिर कोई फ्री में भी दे रहा है तो इस बॉक्स को गलती से भी आप अपने घर मत लाइए, इसे पकड़िए ही मत, नहीं तो आपके साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आइए बताइए, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।